You don't. नमस्कार, हिमाचल टूरिज्म होटल खातून नारकंडा में आज हम हिमाचली पारंपरिक नाश्ता जिसे सीरा भी कहते हैं, जो गेहूं का बनता है, तो इसको बनाने की विधि और जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे वो अभी बताएंगे आपको। बोल। ये नाश्ता सर, ये गेहूं का बनेगा सर। इसको सबसे पहले हम पानी में सोख करेंगे 2-3 दिन के लिए, उसके बाद निकाल के इसका जो हस्क होगा उसको अलग कर देंगे, और जो वाइट वाला इसको एक तरह का कॉर्न जो है फ्लोर बनेगा, एक तरह का कॉर्न फ्लोर की तरह, इसको हम ड्राई करेंगे 2-3 दिन की धूप में। धूप में सुखाने के बाद ये पाउडर जैसा बन जाएगा, फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा बनाने के लिए। तो ये सुखा के इस तरह का हो गया था सर, हमने बताया था। अब हम इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद इस तरह का होगा। 1 घंटा हम पानी में रखेंगे इसको, तो 1 घंटे के बाद जब ये पूरा इस तरह का मेल्ट हो जाएगा इसमें, उसके बाद हम कुकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम कुकिंग के लिए इसकी तैयारी करते हैं। इसमें घी डालेंगे हम 4 चम्मच घी, और घी डालने के बाद इसको हम सीधा थोड़ा सा पकने देंगे हल्का सा घी को, और फिर घी में हम इसको डालेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा हो रहा है, पौष्टिक है और घी भी इसमें पड़ता है काफी पौष्टिक व्यंजन बनता है हिमाचल का, इसको यहाँ पे बहुत ही पसंद करते हैं। और इस तरह को इसको स्टर करते करते हिलाते हिलाते रौंदते पकाते ये इस तरह का हो जाएगा। थोड़ी देर पकाते पकाते सर इस तरह का हो जाएगा। ये ब्राउन होना चाहिए। ब्राउन होने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इसमें किशमिश और काजू जो भी हुआ हमारे पास अवेलेबल, उस तरह का ड्राई फ्रूट्स, गरी का भी डाल सकते हैं इसमें पूरा। तो इसके बाद हम थोड़ा ब्राउन होने के बाद इसमें चीनी डालेंगे। चीनी के इसमें हम तो 4 चम्मच ये इस तरह का बनेगा सर। ये इसको लोकल की भाषा में सीरा भी बोलते हैं। चीनी की जगह इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर गुड़ हो तो गुड़ बहुत अच्छा है, शक्कर या गुड़ इसमें डाल सकते हैं। और ये बनने के लिए रेडी हो रहा है, एकदम तैयार होने वाला ही है अब। और ये इसमें गेहूं का जो ये बनता है सीधा बोलते हैं पास्ता, इसे बहुत ही अच्छा पौष्टिक, और घी भी पौष्टिक और हेल्दी होता है बहुत। थोड़ी देर में ये तैयार होने वाला है, इसको हम सर्व, अब ये रेडी हो गया है, अब इसको हम परोस रहे हैं, सर्व के लिए तैयार हो गया है। इस तरह का ये हमारा हलवा बन गया है सीरे का। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये डिश अब तैयार हो गई है इस तरह की, और आप इंजॉय कर सकते हैं इसको, आनंद ले सकते हैं इस हलवे का। ये नाश्ता तैयार हो चुका है बनके, इसे हम गेस्टों को भी सर्व करते हैं, वो बहुत ही पसंद करते हैं इसको। नारकंडा में जब आते हैं बहुत ही इसको लाइक करते पसंद करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।